आप देख रहे हैं TNB। चेन्नई सुपर किंग्स IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है। उसने 4 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। महेंद्र सिंह धोनी की करिश्माई कप्तानी में इस टीम ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। अब धोनी ने IPL 2022 से पहले CSK टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह एक स्टार खिलाड़ी को कैप्टन बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के आगाज से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनके फैंस के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। धोनी की जगह स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी दी। धोनी खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ जुड़े रहेंगे। बता दें कि IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले जडेजा चेन्नई द्वारा रिटेन किए गए सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उन्हें चेन्नई ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि MS धोनी को टीम ने 12 करोड़ रुपए चुकाए थे। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जडेजा गेंद के साथ साथ बल्ले से भी योगदान देने में माहिर प्लेयर हैं। पिछले कई सीजन से वह चेन्नई के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं। जबकि कप्तान धोनी को विकेट की आवश्यकता होती थी, वह जडेजा का नंबर घुमा देते थे। बता दें कि रविंद्र जडेजा ने IPL 2021 में RCB के खिलाफ मैच में एक ओवर में 5 छक्के लगा दिए थे। उनके स्पिन के जादू से कोई भी बच नहीं पाया है। वह किसी भी पिच पर विकेट चटका सकते हैं। उनके 4 ओवर खेलना किसी भी विरोधी टीम के लिए आसान नहीं है। रविंद्र जडेजा 2012 से चेन्नई टीम के साथ बने हुए हैं। वह CSK टीम के तीसरे कप्तान होंगे। IPL के पहले सीजन यानी 2008 से ही महेंद्र सिंह धोनी ही टीम की कमान संभाल रहे थे। धोनी ने 213 मैचों में कप्तानी करते हुए टीम को 130 मैचों में जीत दिलाई है। बीच में सुरेश रैना ने भी 6 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम ने सिर्फ 2 मैच ही जीते थे। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया। इसलिए शुरुआत में ही अंदाजा लग गया था कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। उनके अलावा मोइन अली को 8 करोड़ रुपए और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।